आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमशादिलक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम श्री सद्गुरु तम नमामि। जो ब्रह्म के समान है और जो प्रभु के समान होते हुए सिर्फ एक सत्य है, जो आपके जीवन में प्रभु की राह दिखाने के लिए साक्षात प्रभु तत्व है, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 20 जुलाई 2023 के शुभ दिन आपको देती हूँ मंगलमय बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही चंद्रमा सुबह 10:54 तक रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आज बुध का नक्षत्र आश्लेषा सुबह 10:54 तक है, उसके बाद केतु का नक्षत्र मघा लगेगा। आज सूर्य पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:54 तक। थोड़ी ही देर में मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सिंह के चंद्रमा और केतु का नक्षत्र, इसके विषय में जानकारी दूंगी। मेष राशि। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तो माइंड तो रहेगा कूल, लेकिन सात्विक रहेगा, वैराग्य छाया रहेगा, पूजा पाठ ज्यादा करेंगे और आपके बच्चे भी कुछ चिड़चिड़े से रहेंगे। आज उनके साथ आप मन मुटाव ना करें, लोनलीनेस फील कर सकते हैं। वृषभ राशि। माता पक्ष से उलझे ना, मन मुटाव ना करें तो घर की व्यवस्था ठीक रहेगी, घर में आनंद आएगा, सात्विक पूजा पाठ रखा सकते हैं और इसके अलावा हेल्पर्स के साथ मन मुटाव बिल्कुल ना करें, वाहन आराम से चलाएं। मिथुन राशि। आज के दिन घर में कलह क्लेश न करें, छोटे भाई बहनों के साथ या आप अपने बच्चों के साथ या साथ में समझ लें कि आपको यात्रा पर निकलना है तो आज गणेश जी का नाम लेके निकलें। कर्क राशि। आपके परिवार में अगर मन मुटाव है या लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे संचित धन करने के लिए, तो छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहें और साथ साथ गणेश जी की आराधना करते रहें। सिंह राशि। आपके लग्न में बैठे हुए हैं आज चंद्रमा और आप इस बात से आश्वस्त रहेंगे कि आज बड़े कूल हैं, रिलैक्स माइंड से हैं, घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी काम वैराग या उस काम के प्रति ज़्यादा निश्चिंतता या एकदम ही मूडी होकर चलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा होश में आइए और काम सजगता से कीजिए। कन्या राशि। कई सारे काम विदेश रिलेटेड आधे अधूरे ना रह जाएं और आपके अगर विदेश गमन हो रहा है तो गणेश जी की आराधना कीजिए और आज के दिन आपको विदेशों से धन प्राप्ति भी हो सकती है। तुला राशि। आज के चंद्रमा आधे अधूरे पैसे देते हैं जिससे आप आश्वस्त नहीं, आपके ताया चाचा पिता समान लोगों से अनबन ना करें और केसेस विवाद प्यार से सुलटें, गुस्सा ना दिखाएं। वृश्चिक राशि। कई सारे आध्यात्मिक सात्विक काम निपट जाएंगे आज आपके, अगर आप किसी सात्विक काम में हैं, धार्मिक कामों में हैं, अदरवाइज होने वाले काम आधे अधूरे ना रह जाएं और आप आगे ना बढ़ जाएं, पिता समान लोगों के साथ कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है। धनु राशि। आपके लिए आज के काम जो हैं आज आपके भाग्यवर्धक संदेश आपको आएंगे और आएंगे तो आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, उनको लेकर उनको पूरा करना है। यात्रा पर निकलेंगे तो धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और उसमें आपको आनंद मिल सकता है। मकर राशि। तबीयत खराब हो, फोड़ा फुंसी रसौली से रिलेटेड, तो आपको कोई भी उसको निग्लेक्ट नहीं करना है और अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए गणेश जी की आराधना करते हुए आगे बढ़ना है। व्यवसाय के लिए विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं, ससुराल पक्ष से उलझना नहीं है। कुंभ राशि। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ व्यवसाय में उलझे ना,
क्योंकि आज आप बेचैन होंगे और इस बेचैनी को खत्म करने के लिए आपको करने हैं हरे कृष्णा के जाप या महामृत्युंजय के जाप। मीन राशि, कई सारे काम जिसमें आपके अटके हुए बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या लोन्स लेना देना तो आधे अधूरे आंशिक रूप से पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप पूर्णतया आश्वस्त नहीं होंगे। आपको अगर चाहिए कि काम आश्वस्त हो तो वक्र तुंड महाकाय के जाप करें, गंग गणपति नमा के जाप करें। कर्क राशि वालों, आपका बड़े दिनों से व्यवसाय ठंडा चल रहा है, राहु बैठे हैं। याद रखें, लोग कहते हैं कि राहु दशम में आके बहुत सारा काम देते हैं। दशमेश राहु हो या राहु बैठा हो दशम स्थान पे तो मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम मिलते हैं, लेकिन आपकी मनस्थिति ही ठीक नहीं है। मंगल के घर में राहु है और आप कामों को ठुकराते जाते हैं, इसलिए राहु का आपने कोई फायदा नहीं उठाया है। मुझे आपसे यही कहना है कि आप कार्यों को बढ़ाने के लिए फिलहाल गणेश जी को मंगलवार के दिन एक नारियल चढ़ाया करें। जो काम आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। अब आज का नक्षत्र और आज के चंद्रमा सबसे ज्यादा किसको सुहा रहे हैं ये हम देखते हैं, और वो राशि है आज की सिंह राशि। सिंह राशि वालों को आज फिर भी सुख आराम रहेगा। अदरवाइज वृश्चिक राशि भी अच्छी राशि है, धनु राशि भी अच्छी राशि है, और साथ साथ में मीन राशि वालों को भी आंशिक रूप से फायदा होगा। सबको बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। भूमि राठौड़ जी वापी से लिखती हैं, पढ़ने में कमज़ोर हूँ, याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ, नंबर दिया है इन्होंने 69। भूमि राठौड़ जी घबराए नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपको क्या करना चाहिए, किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। गुरुवार के दिन आप किसी गुरु के मंदिर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ आपको दौड़ने के लिए जाना चाहिए, बेफजूल वक्त ना गंवाएं। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर।